कोरोना पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, ऑक्सीजन रेमडेसिविर की सप्लाई और उपलब्धता की हुई समीक्षा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण बंद, दोनों राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते फैसला। 30 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, 24 घंटे में कोरोना के 46,781 नए मामले, 816 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 13,287 नए पॉजिटिव केस, 300 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक दिन में 18,125 नए मामले। वैक्सीनेशन की कमी पर सियासी जंग, वैक्सीन विदेश भेजने के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा भ्रम फैला रहा है विपक्ष। कोरोना पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा महामारी में केंद्र की क्रूरता को देशवासी कब तक झेलेंगे। और अनंतनाग में लश्कर के आतंकियों की खात्मे का वीडियो आया सामने, कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया था ढेर। 12 प्रमुख विपक्षी नेताओं ने पीएम को लिखी चिट्ठी, लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन और बेरोजगारों को 6,000 प्रति माह देने की मांग। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए यूनियन 28 न्यूज़।